अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गोश्त का सालन। तो गोश्त का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए गोश्त। आप गोश्त जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसमें थोड़े से गरम मसाले हैं, आप देख सकते हैं बहुत थोड़े से, एक एक पीस है। एक चम्मच 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। और मसाले में जो है वो है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून नमक डाली हूँ। नमक मैं बाद में देखूंगी, और थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर भी डालूंगी, लेकिन वो सबसे बाद में डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है, कुकर गर्म हो चुका है। ये खाने का चम्मच है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नहीं है। तो इससे मैं तेल डालूंगी, 1.5 चम्मच डालूंगी मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड वगैरह का। तो जैसे ही तेल गर्म होगा मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें गरम मसाले और प्याज डाल दूंगी। थोड़ा लाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। अब मैं इसमें गोश्त को ऐड कर दूंगी। एक मिनट तक अदरक लहसुन के साथ मैंने भून लिया। अब मैं सारे मसाले को ऐड कर दूंगी। मिर्च यहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसे भी मैं 1 मिनट तक भूनूंगी। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और मैं इसे गलने दे दूंगी। 15 से 20 मिनट लगेगा मुझे इस गोश्त को गलाने में। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जितने मिनट में गोश्त गलता हो उतने मिनट में आप गला लें। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा गलाने में इसे। मैं पूरे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। अब मैं सीटी आने के बाद इसे हल्की कर दूंगी, गैस को हल्की कर दूंगी, और हल्की आंच में इसे मैं गलने दे दूंगी आराम से। तो चलिए देखते हैं। मुझे जितना गलाना था उतना मैंने गोश्त को गला लिया है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी, और मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी। आप चाहे इसे तोड़ के डाल सकते हैं, पर मैं तोड़ के नहीं डालूंगी। मैं 3-4 मिनट से इसकी भुनाई लगातार कर रही हूँ, तेज आंच पे ही कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। अगर आपको पसंद है तो डालें, ना पसंद है तो ना डालें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, मैं ये डाल दूंगी। तो अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा शोरबा चाहिए तो मैं थोड़ा सा शोरबा डालूंगी। तो ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया, और आप इस जगह पे अपने नमक को टेस्ट कर लें। 1 पिंच के करीब मैंने इसमें नमक डाला, और मैं इसे दम पे रख दूंगी 2 मिनट के लिए, मतलब उबाल आने तक। जब उबाल आ जाएगा तो 2 मिनट के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। तो 2 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, और ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत इजी तरीके से बन जाता है, कोई भी इसे बना सकता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व कर दिया है, और ये बहुत आसानी से बनता है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। बहुत कम मसाला, कोई दही वगैरह, टमाटर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।